कल अर्थात दिनांक 13 फरवरी 2022 से बनने जा रहा है अखंड धनाढ्य योग, जो विशेष रूप से करता है व्यक्ति को धन से परिपूर्ण। जी हाँ, सूर्य देव कल 13 फरवरी 2022 को शनि महाराज के साथ अपने पुत्र की युति छोड़कर अपने गुरु की शरण में जा रहे हैं और नवग्रहों में सूर्य देव राजा के समान है और गुरु और सूर्य की ये युति निर्मित करने जा रही है अखंड धनाढ्य योग, जो कि 12 में से 5 राशि वाले जातकों के लिए धन से संबंधित विशेष लाभ की स्थिति को प्रकट करता हुआ पाया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं सूर्य देव को नवग्रहों में राजा का पद प्राप्त है और जब राजा अपने गुरु के शरण में जाता है तो कुछ बड़े विचार निकल कर आते हैं। सूर्य हमारी कुंडली में ऊर्जा का कारक है, सूर्य हमारी कुंडली में आत्मा का कारक होता है, सूर्य हमारे जीवन में हड्डियों का, हृदय का कारक होता है और इस स्थिति के चलते राजनीति से जुड़े योग या फिर सरकारी कार्यों का कारकत्व सूर्य से देखा जाता है। सूर्य पिता का कारक है, पिता के सुख का कारक है और जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य देव का प्लेसमेंट अच्छा होता है उस व्यक्ति को यशमान प्रतिष्ठा और बताई गई सभी अवस्थाएं अपने जीवन में अवश्य रूप से प्राप्त होती है। आज इस कार्यक्रम में मैं 5 विशेष उन राशियों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिन राशि वाले जातकों के लिए कल अर्थात 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक ये योग निर्मित होने जा रहा है, जिसे शास्त्र मत अनुसार धनाढ्य योग, धनाढ्य नहीं अखंड धनाढ्य योग का नाम दिया गया है। बस निवेदन आपसे एक ही रहेगा, अपनी कुंडली में सूर्य देव का प्लेसमेंट अवश्य चेक कीजिएगा। तुला राशि जहां नंबर 7 लिखा हो वहां आपके कुंडली में सूर्यदेव नहीं होने चाहिए और लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे इस एक महीने में यह अखंड धनाढ्य योग धन से आपको करने जा रहा है परिपूर्ण। पहली राशि, जिस राशि के लिए ये धनाढ्य योग बेहद श्रेष्ठ फल देता हुआ पाया जाएगा वह राशि होगी मित्रों मेष राशि। जी हां, आकस्मिक लाभ के स्वामी होकर ये आपके एकादश भाव में जा रहे हैं, अद्भुत ये योग बनाकर देंगे जहां देवगुरु बृहस्पति पहले से ही आपके भाग्य के स्वामी होकर विराजित हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य, गुरु और राजा दोनों मिलकर आपके लिए रचने जा रहे हैं धनाढ्य योग का एक इतिहास। आपके लिए आय में वृद्धि का योग बनाएंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और आकस्मिक लाभ की स्थितियां अद्भुत स्वरूप में आपके लिए बनाने जा रहे हैं। आपकी कुंडली में सूर्य देव का प्लेसमेंट बस एक बार चेक करना होगा, अद्भुत ये योग आपके लिए बनकर आएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्या क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे, अन्यथा किसी भी प्रकार से वो योग जो आपने भी ना सोचे हो इस प्रकार का श्रेष्ठ लाभ आपके लिए एक्टिवेट होता हुआ पाया जाएगा। दूसरी राशि, जिस राशि के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अद्भुत लाभ देने वाला है वह राशि होगी मित्रों वृष राशि। वृष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव कुंडली के सम ग्रह होते हैं, क्योंकि इन्हें चतुर्थ भाव आपकी कुंडली में प्राप्त हुआ है और ये चतुर्थेश होकर कर्म भाव में आ रहे हैं जहां ये दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बल इन्हें प्राप्त हो जाता है और इस स्थिति के चलते ये आपके कर्म क्षेत्र के माध्यम से आपको धन की स्थितियों से परिपूर्ण करने जा रहे हैं। आप देखेंगे चाहे व्यापार कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं उस स्थिति में आपको धनाढ्य योग की स्थिति अवश्य रूप से प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ में अपने ही घर को, चौथे भाव को देखेंगे, ये अपने आप में एक और राजयोग का निर्माण बन जाता है जहां दिशा बली होकर अपने घर को देखे तो कोई भी भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा ऐसा कुछ खरीदने की सोच रहे हैं, काफी समय से वो स्थिति आपके पक्ष में नहीं आ रही है, निश्चित रूप से पूर्ण होती हुई पाई जाएगी। साथ में ही यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी इन दिनों के अंदर राजनीति का बहुत माहौल बना हुआ है, राजनीति में आपको यशमान प्रतिष्ठा और विजेता का योग प्राप्त कराते हैं, सरकारी कर्म क्षेत्र से संबंधित कोई कार्य आपके रुके हुए हैं वो पूर्ण होने जा रहे हैं, जनता में यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, माता से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है वो समाप्त करेंगे और माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रही है उससे भी मिलने जा रही है आपको निजात। तीसरी राशि, जिस राशि के लिए यह धनाढ्य योग बहुत ही खास होने जा रहा है वह राशि होगी मित्रों सूर्य देव की स्वयं की ही राशि सिंह राशि।
जी हां, सिंह राशि लग्नेश होकर सप्तम के अंदर आ रहे हैं। गोचरीय अवस्था के चलते अपने ही घर को अर्थात लग्न को देखेंगे। अद्भुत ये योग अपने आधार के ऊपर जिस तरीके से ये आकाश में विद्यमान होकर चमकते हैं, उस अवस्था की अनुभूति आपको भी कराते हुए पाए जाएंगे। आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि का योग बनाकर देंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को मधुर संबंधों में परिवर्तित कर देंगे। कोई भी प्रकार से पार्टनरशिप में यदि आप कार्य कर रहे हैं उसमें श्रेष्ठ सफलता का योग, या फिर करना चाह रहे हैं तो आपके लिए कल से लेकर 14 मार्च तक की गतिविधियां बहुत सहज बनी हुई है। आपके लग्न पर दृष्टि देकर आपके व्यक्तित्व को सूर्य की ऊर्जा की तरह बनाते हुए पाए जाएंगे। ऊर्जावान आप अपने आप को अनुभूति करते हुए पाए जाएंगे और साथ में ही आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत ही परफेक्ट बनाने जा रहे हैं। आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे ये पूर्ण रूप से आपको लाभान्वित करते हुए पाए जाएं। भाग्य का साथ की स्थिति का योग प्राप्त होगा और धन से संबंधित रुके हुए कार्य आपके अवश्य रूप से करने वाले हैं पूर्ण। अगली राशि जिस राशि के लिए धनाढ्य योग बेहद श्रेष्ठ फल देने जा रहा है वह राशि होगी मित्रों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के कर्मेश होकर चतुर्थ में आ रहे हैं और कर्म भाव को दिशाबली दृष्टि से देखेंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। जनता में यशमान प्रतिष्ठा आपको दिलाते हुए पाए जाएंगे। हृदय से संबंधित कोई समस्या का यदि आप सामना कर रहे हैं उससे मुक्ति का योग प्राप्त होगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई विवादास्पद स्थितियां चल रही है उसे मुक्त करते हुए पाए जाएंगे। कोई भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, नहीं बिक रहा है, इन दोनों अवस्थाओं को एक महीने में आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेंगे। कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ मुकाम की स्थितियां प्रदान करेंगे। कोई ट्रांसफर रुका हुआ है उसे पूर्ण कर देंगे। कोई प्रमोशन रुका हुआ है उसे पूर्ण कर देंगे। साथ में ही कोई गवर्नमेंट से संबंधित आपके कार्य रुके हुए हैं उन्हें पूर्ण कर देंगे। निवेदन आपसे एक रहेगा, अपनी कुंडली में सूर्य देव तुला राशि अर्थात 7 नंबर आपकी कुंडली में जहां लिखा हुआ है वहां नहीं होने चाहिए। लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में ना हो। अद्भुत ये योग आपके लिए निर्मित होगा। अगली राशि जिस राशि के लिए ये धनाढ्य योग बेहद श्रेष्ठ फल देने जा रहा है वह राशि होगी मित्रों धनु राशि। जी हां, धनु राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव के अंदर सूर्य देव प्रवेश करेंगे। अग्नि कारक तत्व के ग्रह हैं। पराक्रम में देवगुरु बृहस्पति पहले से विद्यमान है। आपकी स्थितियों को मेहनत के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा, आत्म दृढ़ता के द्वारा सफलता का योग प्रदान करने जा रहे हैं। भाग्य का परिपूर्णता से आपके लिए साथ जोड़ने जा रहे हैं। विदेश से संबंधित किसी प्रकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करना चाह रहे हैं, अद्भुत ये योग बनकर आएगा। आकस्मिक लाभ की गतिविधियां आपके साथ जोड़ते हुए पाए जाएंगे। एक से अधिक आय के स्रोत आपके लिए एक्टिवेशन में ला देंगे। तो ये सभी स्थितियां सूर्य देव की कृपा से आपको मिलने जा रही है। सूर्य देव का प्लेसमेंट को सिर्फ चेक करना है। कल अर्थात 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक की गतिविधि में ये अखंड धनाढ्य योग इन 5 राशि वाले जातकों को निश्चित रूप से देता हुआ पाया जाएगा अद्भुत लाभ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।